पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज के मॉड्यूल में हम आपको जानकारी देंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो ये देखिए, ओप्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपके बेस क्लास और जो आपके चाइल्ड क्लास होती है ठीक है, बेस क्लास और चाइल्ड क्लास या जो ड्राइव्ड क्लास होती है ठीक है, बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, जो आपके बेस क्लास होती है उसे पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और ड्राइव्ड क्लास होती है इसे चाइल्ड क्लास कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो आपके एट्रीब्यूट्स की रिलेशनशिप होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको इनहेरिटेंस के थ्रू शो किया जाता है। मींस इसको हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लास है, बेस क्लास है या फिर पेरेंटियल क्लास, उससे जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्रॉपर्टीज होती है, वो आपके ट्रांसफॉर्म होके किस में काम में आती है, वो आपके ट्रांसफॉर्म होके ड्राइव्ड या चाइल्ड क्लास में काम में आती है ठीक है। और इसके अंदर देखिए, कोड रीयूजेबिलिटी यू कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है। कौन सा काम में लिया जाता है? कोड रीयूजेबिलिटी, कोड जो आपके रीयूजेबिलिटी होता है वो कॉन्सेप्ट इसमें काम में लिया जाता है। और ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिससे कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, वो यूटिलाइज किया जाता है और पॉलीमॉर्फिज्म भी इसके अंदर यूटिलाइज किया जाता है इनहेरिटेंस के अंदर ही। आप देखिए कैसे अपन यूज करेंगे उसे, तो अपन एग्जांपल से देखेंगे। पहले हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सिंगल, सिंगल मींस एक बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास। मल्टीपल ठीक है, ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, मल्टीपल होते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है इसमें? मेथड ओवरराइडिंग ठीक है। और कौन सा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर? एमआरओ क्या होता है? मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर ठीक है ना। और एक जो अपन इसके अंदर यूज में इंपॉर्टेंस लेते हैं, वो लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, मींस ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग ठीक है। अब आप कहें तो कोई भी एक प्रोग्राम अपन स्टार्ट करते हैं ठीक है, तो किसका करें? लास्ट वाले जो है उसके अंदर अपन ने स्टूडेंट्स का यूज में लिया था। इसके अलावा देखिए, अगर अपन और ज्यादा बात कर लेते हैं तो इसके अंदर एक आपके देखिए टाइप्स जो होते हैं वो उसके अंदर देखिए हायरार्किकल भी होता है, वो भी बता देता हूँ आपको, बाकी अपन एग्जाम्पल से समझाएंगे। हायरार्किकल हो गया, हाइब्रिड हो गया ठीक है, मल्टीपल हो गया, मल्टी लेवल हो गया
ठीक है। और इसमें क्लास, जहाँ पर अपन पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की बात करते हैं, वहाँ पर एक और क्लास होती है, वो होती है सुपर क्लास, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या यूटिलाइज करते हैं, इसके अंदर हम किसको कॉल करते हैं, कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको यूटिलाइज करते हैं। आइए आप अपन बनाएं, जो क्लास अपने को बनानी थी उसको हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो अपन यूटिलाइज करेंगे उसके अंदर, देखिए सबसे पहले मैं एक क्या लूंगा, इसके अंदर एक स्टूडेंट क्लास लेंगे। तो देखिए, आइए अब अपन स्टूडेंट क्लास में वर्कआउट शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्लास स्टूडेंट, पिछली बार भी अपन ने यही ली थी जब मैंने आपको एनकैप्सुलेशन बताया था। अब डिफाइन यूज करें, डिफाइन इनिट। अब मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, है ना, ये सारा के सारे कोड अपन यूटिलाइज कर चुके हैं। देखिए सेल, उसके बाद में नेम, रोल नंबर, नेम और इसके बाद में क्लास। ये आपके मैंने क्या ले लिया है, ये आपके ले लिया जो आपके पेरेंट क्लास बन रही है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये जो बना रहा हूँ ये मैं कौन सी क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, ये पेरेंट क्लास है। देखिए सेल, पहले रोल नंबर ले लें, सबसे पहले रोल नंबर लिया अपन ने, क्लियर। अब आ जाइए सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम सेल्फ डॉट क्लास इक्वल टू, ये यहां पर अपन ने क्या किया, यूटिलाइज कर रहे हैं जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट में काम वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन प्रिंट कराएंगे। तो देखिए प्रिंट पे अपन काम ले रहे हैं, तो देखिए डिफाइन कर रहे हैं, इसके बाद में डिस्प्ले अपन मेथड काम में लेंगे। डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो सेल्फ
देखिए प्रिंट क्या करा रहे हैं अपन, क्या प्रिंट करा रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपन लेके चलेंगे जो भी अपन स्टूडेंट प्रिंट करा रहे हैं। फर्स्ट प्रिंट, अब देखिए फंक्शन ये मैंने लिया ने रोल नंबर, क्लियर। और यहां मैंने कह दिया इसके अंदर सेल्फ डॉट रोल नंबर, अब इसको कॉपी कर लेंगे अपन, पेस्ट कर लेंगे। अपन ने तीन लिए हैं यहाँ पर जो फील्ड लिए हैं, ठीक है। ये आ गया नेम, अभी देखिए पेरेंटियल क्लास में काम हो रहा है, अभी अपन उसके अंदर नहीं गए हैं। क्लियर, अब अपन यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए एक चाइल्ड क्लास लेते हैं, ठीक है। आप चाइल्ड क्लास में अपन क्या लेते हैं कि स्टूडेंट का रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट लेते हैं, तो देखिए क्लास, क्लियर। और यहां लिखा मैंने रिजल्ट स्टूडेंट, जिससे मुझे याद रहे कि किस पेरेंट क्लास को फॉलो कर रहा हूं। और ये किसको फॉलो करेगी, आप इसकी पेरेंट क्लास क्या होगी, वो होगी स्टूडेंट, क्लियर। अब देखिए यहां पर हम गए, दोबारा डिफाइन कर रहे हैं इनिट, सेल्फ रोल नंबर क्लास, ठीक है। और मैंने क्या लिख दिया, नेक्स्ट रिजल्ट, अब अपन एक सुपर क्लास क्रिएट करेंगे। ये सुपर क्लास बना रहे हैं अपन, डॉट यहां से नेट ले लेंगे। और देखिए जो अपन ने पेरेंटियल वो किए थे वो यहां पर लिखेंगे, कौन कौन से थे जो इनहेरिट होके आ रहे हैं, है ना, एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, नेम, क्लास, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, सेल्फ रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट, क्लियर। अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, अब डिफाइन करेंगे किसको, जो हमने पेरेंट क्लास बनाई थी, डिफाइन
अब डिस्प्ले में क्या डिफाइन कर रहे हैं, देखिए कौन सी बनाई थी, रिजल्ट स्टूडेंट, रिजल्ट स्टूडेंट। अब इसके अंदर क्या बनाई, इन्फो, इसकी इंफॉर्मेशन, और किसके थ्रू, सेल्फ के थ्रू। सेल्फ डॉट डिस्प्ले, अब देखिए पेरेंट क्लास को यहां पर कॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट इन्फो, क्लियर, प्रिंट, ये फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है ना। ऊपर भी अपन ने फंक्शन कॉल कर रहे हैं अपन, यहां पर देखिए अपन ने फंक्शन में लिखा जो भी अपना रिजल्ट है, ठीक है, और इक्वल, अब अपन देखेंगे सेल्फ डॉट रिजल्ट, अब आ जाइए नीचे, देखिए यहां पर मैं लिख भी देता हूं ये कौन सी है, ड्राइव डॉर चाइल्ड क्लास, तो ये कौन सी हुई, ड्राइव या फिर चाइल्ड क्लास। ये देखिए यहां पर अपन आए, ये देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कौन सी क्लास थी, चाइल्ड और ड्राइव क्लास, ठीक है। अब यहां पर आ जाएंगे, आप देखिए जो लास्ट काम है वो अपन यहां पर करेंगे, कौन सा काम है, क्लियर। तो अब देखिए जो भी अपन बता रहे हैं यहां पर उसका रिजल्ट टाइप करेंगे, तो यहाँ देखिए मैं रिजल्ट टाइप कर रहा हूँ, मेरी जो क्लास थी वो थी रिजल्ट स्टूडेंट, इक्वल टू रिजल्ट स्टूडेंट। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा
रोल नंबर 11223311 और नेम लिख देंगे XYZ। क्लास एमटेक और अब अपन क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्लास लिख दिया है, रोल नंबर लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पास वे ऑनर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब अपन इसको प्रिंट कराएंगे। देखिए प्रिंट में जो कराना है वो अपन लिखेंगे। या रिजल्ट ठीक है, और इसको इससे किससे शो कर देंगे वो कर देंगे अपन। रिजल्ट स्टूडेंट ठीक है डॉट डिस्प्ले ठीक है ना। अब देखिए, अब अपन एक बार इसको रन करा के देखते हैं। अब देखिए ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ये तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद में एक बार प्रोग्राम अपन रन करा लेते हैं। तो ये देखिए, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की आ गई है, रोल नंबर, नेम, क्लास, रिजल्ट। यहाँ पर इस तरह से ये आपके इनहेरिटेंस हुआ, जिसके अंदर पेरेंट क्लास स्टूडेंट थी और उसके बाद में जो अपन ने चाइल्ड क्लास ली थी वो रिजल्ट स्टूडेंट थी, जिसमें रिजल्ट को अपन ने कैरी करके बाकी तीनों जो रोल नंबर, नेम और क्लास थे वो इनहेरिट होके नीचे आए, मतलब चाइल्ड क्लास में आए और रिजल्ट यहाँ से ऐड हुआ और इस तरह से इनहेरिटेंस आपके कंप्लीट किया।